छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आगामी 22 अगस्त से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आगामी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। फेडरेशन केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलनरत है। फेडरेशन के पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि आंदोलन 12% की मांग पर था। यदि 3 दिनों में कुछ होता है तो जानकारी मिलेगी। फेडरेशन फिलहाल हड़ताल पर अडिग है। जो 4 चरण का जो आंदोलन था, 4 चरण का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का, जिसके संयोजक कमल वर्मा जी हैं, वो 25 से लेकर के जो 29 तक के जो जुलाई में जो आंदोलन हुआ, तो उसके तहत जो है वो तो पूर्णतः 100% सक्सेस रहा पूरे प्रदेश में। अब उसके बावजूद भी सरकार ने बात नहीं मानी, लेकिन और उसी बीच में एक दूसरे संगठन, कतिपय संगठन जिनको नहीं बुलाया गया था, वो जाकर के जो है महासंघ बोलते हैं, वो जाकर के हाथ मिला लिए सीएम साहब से, सीएम साहब के पास चले गए। तो जो कि हम लोगों को तो हड़ताल में शामिल भी नहीं थे, दूसरे दिगर संघ अधिकारी कर्मचारी महासंघ फेडरेशन जो, तो वो 6% का वो घोषणा कर दी, जबकि हमारा तो आंदोलन जो है वो 12% पे था कि दे तिथि से आप 12% दीजिए और दे तिथि से हमको HRA और DA चाहिए हमें। 19 से जब से बढ़ा है, जनवरी से 22 तक का पूरा 3 साल 2 साल का, तो अब वो दूसरा संगठन ये सब चीज़ों में कूटनीति भी काम करती है। उन्होंने जा कर के जो है सीएम साहब से मिल लिए दूसरे संघ के लोगों ने, जो कि एक अलग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, जो कि हमारे इस हड़ताल में शामिल भी नहीं था, उसको हम लोगों ने मान्य नहीं किया। अभी सीएम साहब के साथ और उच्चाधिकारियों के साथ बराबर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक और प्रवक्ता और तमाम जो बड़े जो हैं प्रांत लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक हल निकलेगा। हम लोग अपने 12% के लिए अडिग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शॉर्ट कॉर्नर रखते हैं कर्मचारी संघ के प्रति, क्योंकि आगामी वर्ष में चुनाव भी है। तो अब देखिए, अब ये इन 3 दिनों में यदि कुछ हो जाता है तो अब जानकारी मिलेगी रायपुर से, अदरवाइज 22 तारीख से तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, निश्चित तौर पर होगी। हम लोग तैयार भी हैं, अप्लीकेशन भी हम लोगों ने भरा दिया है और पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का माहौल है। बहरहाल कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग हैं, देखना होगा इनकी मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।